हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ये जो व्लॉग है वो स्पेशली राइडर्स और बाइकर्स के लिए है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन ये होगी कि राइड करने के बाद हमारे राइडिंग गियर्स बहुत ही गंदे हो जाते हैं, स्पेशली जब भी आप बीच वाले एरिया में जाते हो या फिर मिट्टी वाले एरिया में से जाते हो तो आपके राइडिंग गियर्स बहुत ही गंदे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे अपने राइडिंग गियर्स की प्रोटेक्शन कैसे करें, अपने राइडिंग गियर्स को कैसे धोए, उसकी जो क्वालिटी है उसको बिना डाउनग्रेड किए उसको कैसे मेंटेन किए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये सभी हम लोग इस व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस व्लॉग में मैं मेंटेनेंस बताने वाला हूँ राइडिंग जैकेट का, राइडिंग पैंट का, हेलमेट का, ग्लोव्स का और शूज का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं हेलमेट से, हमारे पहले एक्सेसरी। तो हेलमेट का जो वाइजर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, ये देखो मेरा वाइजर बहुत ही गंदा हो चुका है। यहाँ पे कुछ मैं देख रहा हूँ कि धूल मिट्टी और कीड़े भी चिपक गए हैं। जब भी रात को स्पेशली आप अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को ट्रैवल करते हो तो रात के अंधेरे के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वो यहाँ पे चिपक जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसको भी आपको क्लीन करना पड़ता है। ये वाला जो शेल है ये भी आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो कांच के लिए, वाइजर के लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये वाला एक्वा लेंस, ये देखो लेंस कार्ड से मैंने एक्वा लेंस ये वाला लिक्विड खरीदा था। जो लिक्विड है ना ये अपने वाइजर पे भी चलता है, ये कैमरा के लेंसेज को भी चलता है। अगर आपका मोबाइल का भी अगर स्क्रीन आपको क्लीन करना है या फिर आपके मोबाइल के कैमरे के लेंसेस या फिर गोप्रो वगैरह जो भी है आपको लेंस या फिर कांच ये वाला क्लियर करना है तो आप ये वाला लिक्विड यूज कर सकते हो। उसका नाम है एक्वा लेंस, मिल जाता है आपको, आई थिंक इसका MRP है 150 रुपीज़। तो मुझे ऑफर में पड़ा था, वन बाय वन फ्री था तो मैंने दो ले लिए थे। तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर लेना है, अंदर भी मारना है, अंदर वाली साइड भी आपको क्लीन करनी है और एक सॉफ्ट वाले माइक्रोफाइबर वाले कपड़े से आपको इसको अच्छे से क्लीन करके लेना है। लेकिन मेक श्योर कि अगर आप इसको क्लीन कर रहे हो तो राइड के एक दिन पहले या फिर एक रात पहले करके ले लो, क्योंकि क्या होता है ये थोड़ा सा ना, ये देखो स्टिकी हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा, जब भी आप पहली बार मारते हो और इसको पोंछ लेते हो तो थोड़ा सा स्टिकी रहता है, तो उसको थोड़ा सा सूखने के लिए टाइम भी देना पड़ता है। अगर आप जा रहे हो कहीं पे राइड में तुरंत जा रहे हो और आपने मारा और निकल गए तो ये वाला जो लिक्विड है वो और डस्ट को अट्रैक्ट करेगा जो कि अपने को नहीं चाहिए। एंड मेक श्योर कि ये अंदर वाला जो पिन लॉक वाला जो वाइजर होता है, हर हेलमेट को ये वाला पिन लॉक वाला ये वाइजर नहीं होता, तो जिसको भी रहता है आपको उसको भी ये वाले पिन लॉक वाले, ये देखो ये पिन लॉक वाला जो वाइजर है ना इसको भी क्लीन करना है। इसके बीच में भी कभी कभी मिट्टी जाती है, धूल जाती है, तो आपको इस कपड़े से अच्छे से उसको पोंछ लेना है। और बाकी का ये जो वाला शेल है अदर देन वाइजर, इसको आप अच्छे से साफ सुथरे पानी से भी इसको आप क्लीन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेलमेट को हमने बाहर से तो क्लीन कर लिया लेकिन अंदर से भी तो क्लीन करना चाहिए, तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ ये विस्ता का हेलमेट क्लीनर। तो ये देखो यार, ये वाला वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं आज तक क्या यूज करता हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा है। तो ये वाला जो लिक्विड है ये देखो फोम बेस्ड रहता है, इसको आपको अंदर से इनर पार्ट को हेलमेट के यहाँ पे से मार देना है और 5-10 मिनट के लिए रुकना है ताकि ये अच्छे से अंदर सोक कर पाए और ये जो फोम होता है उसको बाद में आप क्लीन क्लॉथ से पोंछ ले सकते हो, दैट्स इट। तो ये क्या करता है, हमारा जो यू नो पसीना वगैरह अंदर चला जाता है या फिर धूल मिट्टी अंदर चली जाती है तो ये आपका हेलमेट बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा है, तो देखो आप लोग भी यूज करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट इज जैकेट। तो ये देखो मेरे पास ये वाला राइनॉक्स का स्टील वीवो 3 जैकेट है। तो ये अभी बहुत ही गंदा हो चुका है क्योंकि मैंने दो लगातार राइड्स की थी, एक राइड की थी बीच की और एक राइड की थी वो धूल मिट्टी से, तो ये इस पर काफ़ी डस्ट जमा हो गई है। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाइट वाले स्पॉट्स या फिर बहुत मिट्टी है इसमें, तो इस पर अभी वजन तो इसका काफ़ी है। तो इसको क्लीन करने के पहले ये देखो आपको ये चेस्ट प्रोटेक्टर दिख रहा है, ये बैक प्रोटेक्टर, ये देखो और एक चेस्ट प्रोटेक्टर, तो ये वाले जो प्रोटेक्टर्स है ना वो निकल जाते हैं यहाँ से। तो ये देखो ये निकल गया चेस्ट प्रोटेक्टर राइट साइड का, सेम अगेन लेफ्ट साइड का भी। यहाँ पे बस एक वेलक्रो होता है, ये वेलक्रो अगर आप बस ओपन करोगे तो अंदर यहाँ निकाल दिया। तो इस मेरे जैकेट में सामने चेस्ट पे दो प्रोटेक्टर्स है, एक बैक प्रोटेक्टर, एल्बो प्रोटेक्टर एंड शोल्डर प्रोटेक्टर्स। तो ये सारे प्रोटेक्टर्स मैं फिलहाल अभी निकाल देता हूँ। ये देखो ये सारे मैंने प्रोटेक्टर्स निकाल दिए, ये अपना बैक प्रोटेक्टर्स, ये दो चेस्ट प्रोटेक्टर्स, ये एल्बो प्रोटेक्टर्स और ये शोल्डर प्रोटेक्टर्स, सारे प्रोटेक्टर्स निकाल दिए। अब इसका वेट बहुत ही कम हो चुका है,
अब इसको धोने के लिए दे दूंगा मैं, लेकिन धोते वक्त इसको एक प्रिकॉशन रखनी है कि आपको है ना इसको रगड़ रगड़ के नहीं धोना है, या फिर जो ब्रश रहता है हार्ड वाला ब्रश आपको इस पर नहीं रगड़ना है, बस आपको एक यू नो वार्म वाटर पे इस वार्म वाटर में इसको सोक करके रखना है कुछ एक दो घंटे के लिए। उसके बाद हल्का सा साबुन लगा के आपको इसको हल्का सा ऊपर ऊपर से वॉश करना है, एंड देन अगेन अच्छे पानी में डुबो के इसको क्लीन करके। एक इम्पॉर्टेंट अभी चीज़ ये मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना, आपको जब भी इसको सुखाना है कड़कती तड़कती धूप में मत सुखाइएगा, अगर ये नहीं तो ये वाला जो ब्लैक कलर है ना ये ओवर द टाइम पीरियड ये निकल जाएगा और ये ग्रेइश या फिर यू नो वाइटिश दिखने लगेगा। तो अगर आपको सुखाना भी है तो थोड़ी सी छाव और थोड़ी सी धूप देख के फिर सुखाना, नहीं तो फिर ये कलर बर्बाद हो जाएगा। तो ये वाली टिप थी उन सभी राइडर्स के लिए जो ब्लैक कलर का जैकेट, कौन सा भी जैकेट होने दो या फिर राइडिंग पैंट होने दो, जो भी ब्लैक कलर के गियर्स यूज करते हैं उनको ये वाली इन्फॉर्मेशन है। सेम थिंग गोज विद राइडिंग पैंट। अभी मेरे राइडिंग पैंट पे यहाँ पे ये जो घुटने होते हैं तो यहाँ पे नी प्रोटेक्टर्स ये वाले दो, और यहाँ पे दो प्रोटेक्टर्स है थाई प्रोटेक्टर्स, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एक यू नो मंकी बोन जो हमारा रहता है, तो यहाँ पे एक वो जो मंकी बोन प्रोटेक्टर रहता है तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टर होता है, तो टोटल हो गए पांच। तो पैंट में से भी मैं अभी पांच प्रोटेक्टर्स निकाल के इसको भी धोने के लिए दे दूंगा। तो अगेन सेम चीज़ जो अप्लाई होती है जैकेट के लिए, सेम इसको भी वार्म वाटर में सोख के रखना है, उसके बाद आपको रगड़ रगड़ के इसको नहीं धोना है, आराम से धोना है और छांव में सुखाना है, धूप में नहीं तो ये व्हाइट पड़ जाएगा। Now it's time for the gloves. तो देखो यार gloves तो दो प्रकार के होते हैं, मतलब मैं तो दो प्रकार के यूज़ करता हूँ, एक ये वाले जो प्योर लेदर gloves है तो इनको मैं टूरिंग के लिए यूज़ करता हूँ, और एक ये वाले सादे वाले gloves जो मैं सिटी राइड्स पे या फिर काफ़ी शॉर्ट्स राइड में यूज़ करता हूँ। अभी तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाले यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि समर है तो समर में काफ़ी धूप होती है, हाथ गर्म हो जाते हैं, तो ये सिंपल वाले मैं यूज़ करता हूँ। ये वाले जो ग्लोव्स है लेदर वाले, ये मैं टूरिंग के लिए या फिर हाईवे पे जब भी मैं ज़्यादा टाइम रहता हूँ तभी मैं ये वाले यूज़ करता हूँ। तो दोनों को भी हम लोग को कैसे क्लीन रखना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका तो कुछ नहीं भाई, इसमें तो कपड़ा है और इतना प्रोटेक्टर्स है, तो इसको अगर आप अच्छे से पानी से भी वॉश करके इसको सुखा देते हो तो भी इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, क्योंकि ये है लेदर ग्लोव्स, इसको आप पानी से नहीं धो सकते। आप सभी को तो मालूम होगा कि लेदर को अगर आप पानी में डुबाओगे या फिर पानी लगाओगे तो ये प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो ये देखो इसको क्या करना है ना, ज़्यादा अगर मिट्टी होगी तो एक कपड़ा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इसको पानी में डुबाइए, इसको अच्छे से इसमें से पानी निकाल के लीजिए और ऊपर ऊपर से हल्का हल्का जहाँ पे आपको ज़्यादा मिट्टी लगेगा या फिर ज़्यादा यहाँ पे ब्लैकिश ब्लैकिश लगेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा रब करिए, ज़्यादा पानी डायरेक्ट पानी नहीं लगाना है। और ओवर द टाइम जैसे आप इसको यूज़ करते हो तो ये थोड़ा थोड़ा ना कड़क होने लगता है लेदर, तो इसको सॉफ्ट रखने के लिए आपको क्या करना है, आप सभी को तो मालूम होगा कि लेदर पे ऑयल बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको क्या करना है इसको सॉफ्ट रखने के लिए लेदर को, जो भी आपका ऑयल होगा थोड़ा सा इसको आपके पाम पे लेना है, ये देखो ये वाला ऑयल है मेरे हाथ पे, तो आपको क्या करना है ये ऑयल को ग्लोव्स को लेके इस पे थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है, ठीक है, जहां जहां पे भी आपको लेदर दिख रहा है यहाँ पे भी लेदर है तो यहाँ पे लगा के रखना है। राइड पे जाते वक्त ये सब कुछ चीज़ें नहीं करनी है, इधर आप राइड पे आने के बाद या फिर राइड पे जाने के एक या दो दिन पहले ये सब मेंटेनेंस कर लो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे ऑयल लगा दिया तो आपको ग्रिप नहीं मिल पाएगी भाई, आपको ग्रिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने हैंडल्स पे, तो यहाँ पे ऑयल लगाना है लेकिन कब, राइड से आने के बाद या फिर राइड के पहले एक दो दिन पहले। तो ये देखो लगा दिया मैंने ऑयल, ये देखो ऑयल ऑयल लग रहा है। अभी इसको ये वाला ऑयल अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए, सोक होने के लिए मैं कहीं पे तो रख देता हूँ। तो देखो इसको अगर एक बार आप ऑयल लगा के छोड़ दोगे तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक आप आपके ग्लोव्स को, खास करके लेदर ग्लोव्स को अच्छे से रख पाओगे, अच्छे से यूज़ कर पाओगे। व्लॉग देख के मज़ा आ रहा है, अगर आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर सच यू नो इन्फॉर्मेटिव एंड राइड वाले वीडियोज़। चलो अभी लास्ट वाले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, राइडिंग शूज, ज्यादा गंदे होने वाली चीज, क्योंकि ये पैर में होती है तो धूल मिट्टी पत्थर वगैरह सबका सामना इसी को करना पड़ता है। ऑफकोर्स ब्लैक है लेकिन देखो कितने व्हाइट लग रहे हैं, तो इसको अभी हम लोग को क्लीन करना है, लेकिन ये सबका सब लेदर है। तो देखो मैंने क्या किया, एक मग में पानी लिया है और इसके अंदर वॉशिंग पाउडर जो अपने रहती है, वॉशिंग पाउडर को आप थोड़ा सा उसमें मिक्स कीजिए, थोड़ा सा
कई जगह पे आपको लेदर क्लीन करने वाले लिक्विड्स भी मिल जाते हैं, लिक्विड सोप भी मिल जाते हैं। अगर आपको वो यूज करना है तो वो वाला लिक्विड भी आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको नहीं यूज करना है, घर पे आपको कुछ भी जुगाड़ करना है, तो आप वॉशिंग पाउडर पानी में डाल के क्लीन कर सकते हो और आपको लगेगा एक क्लीन वाला क्लोथ, माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा जो कि काफी सॉफ्ट होता है। तो ये देखो, थोड़ा सा इसको मैंने गीला कर लिया है पानी में, शूज उठाना है और शूज को बस ऊपर से ऐसे क्लीन करना है, ठीक है। अब काफी टाइम पे क्या होता है ना, शूज की ये जो डिजाइन होती है, ये देखो यहाँ पे मिट्टी वगैरह सब कुछ अटक जाता है, ये सब नहीं निकल पाता। तो आपको क्या करना है, कपड़े पे थोड़ा सा पानी ले लिया, इसको थोड़ा सा पानी लगा दिया मैंने, क्लीन किया थोड़ा सा, और उसके बाद अगर कोई ब्रश रहेगा आपके पास तो ये ब्रश को भी पानी में डुबो के ले लो और इस पे रगड़ लो। ये देखो, ये जो टफ वाले डिजाइन्स होते हैं ना, उस पे अगर आप ब्रश से भी क्लीन करोगे तो भी नो प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छे से काम करता है। अभी ये डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ का ब्लैक कलर देखो और यहाँ का देखो। एंड देन क्लॉथ से इसको पोंछ लो। अब देखो ये वाला कितना क्लीन लग रहा है, और ये वाला पार्ट देखो, अगर दोनों शूज से कंपेयर करना है तो ये देखो, दोनों शूज कंपेयर करके मैं दिखा रहा हूँ, जिसको क्लीन किया है हम लोग ने, वो कितना ब्रश से क्लीन करने के बाद पूरा नाइस एंड चकाचक लग रहा है। एंड अदर हैंड ये वाला बहुत ही गंदा है। गाइज, ये वाली कुछ इन्फॉर्मेशन थी एक राइडर की तरफ से सारे राइडर्स को। तो ये वाला चीज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि एज अ राइडर हम लोग को मालूम है कि ये वाले राइडिंग गियर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने एक्सपेंसिव होते हैं, और इनको मेंटेन करना कितना तकलीफ वाला काम होता है, ये हम सभी को मालूम है। एक राइडर ही ये बात समझ सकता है। तो अगर हम लोग ने कोई चीज़ में इन्वेस्ट किए है तो हम चाहते हैं कि वो वाली चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक सही सलामत रहे और वो चीज़ हमको भी सुरक्षा दे, प्रोटेक्शन दे जब भी हम लोग राइड पे होते हैं। तो इसलिए ये सारे जो प्राइमरी राइडिंग गियर्स है, जैकेट, पैंट, ग्लोव्स, शूज, ये सारे और हेलमेट ऑफ कोर्स, ये सारे पांच राइडिंग गियर्स क्लीन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज में थोड़ा सा टाइम जाता है आपका, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और इन चीजों का ख्याल रखो, ताकि आप जब भी बाइक पे हो ये सब पहन के तो ये चीजें आपका ख्याल रखें। क्लीन तो रखना ये भाई, फोटो वीडियोस हम लोग बहुत खींचते हैं। तो चलिए यहीं पे मैं इस ब्लॉग का एंड कर देता हूँ। जल्दी कुछ ना कुछ तो राइड आएगी, या फिर कुछ तो नई इन्फॉर्मेशन, या फिर कुछ नया एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय, टाटा, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड राइड विद द गियर्स। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।